सबसे पहले गुड इवनिंग, जो भी जितने भी प्रोड्यूसर्स यहाँ हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं समझ सकता हूँ कि प्रोड्यूसर होना और खासकर आज के दौर में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होना कितना मुश्किल काम है, और आप ये सब लोग मुश्किल काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सब लोग बहुत सलाह के लोग हैं। मेरे लिए कोई छोटा कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं होता, मेरे लिए निर्माता से निर्माता होता है, जो फिल्म बनाता है, फिल्म चल जाती है तो वही बड़ी हो जाती है। बस बड़ा थॉट जिसके पास हो वही बड़ा फिल्म नहीं होता। बस बहुत आवश्यक है कि अभी मैं दो ढाई महीने यूएसए था, तो वहां के गिल्ड वगैरह में भी मैं गया, तो वहां मैंने देखा कि किस तरह से किस क्या सिस्टम है वहां के, चाहे प्रोड्यूसर्स गिल्ड का हो, चाहे डायरेक्टर गिल्ड्स का हो या राइटर गिल्ड्स का हो। मैं चाहता हूँ कुछ उस तरह का सपना भारत में आए और इम्पा से शुरुआत हो तो बहुत अच्छी बात है। वहां बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोकाड़िया जी डेफिनेटली बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, और बोकाड़िया जी के साथ जितने भी सब जो हमारे कोलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब इन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है, और आप लोगों ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन मिलकर एक बहुत सही दिशा भारतीय सिनेमा को देना बहुत जरूरी है, जो नींव आपको मिली है उसको करने के लिए। तो उस बदलाव के लिए मुझे लगता है कि बोकाड़िया साहब के आप संग जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज दो शब्द, प्लीज शब्द। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी तादाद में आप लोग यहाँ आए। केसी बोकाड़िया जी भाई जी ने मेरे चरण स्पर्श को और उनकी पूरी टीम को लिए मैं बधाई देने आई हूँ। मेरी दिया भाती की टीम भी ऑन द वे है, सब पहुंच ही रही है, हम यही चाहते हैं एडवांस में बहुत बहुत बधाई भाई जी। देखे हमारा राम जी, आज का कर्म खुल गया हमारा, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्यानी, पर अब तो केसी बोकाड़िया जी सबने संभाल। गुलशन सचदेव जी, गुलशन साहब, जी मैं अभी भोजपुरी के बाद मैंने अपना ट्रैक बदला है, अभी मैं हिंदी फिल्म में कर रहा हूँ, और मैंने विजय तिलक फिल्म किया था, वही डायरेक्टर के साथ अनुरोज मिश्रा जी के साथ मैं हिंदी पिक्चर कर रहा हूँ, और फिल्म का नाम है मंगोरी लाल बीटेक, जो अक्टूबर से कानपुर और लखनऊ में उसका शूटिंग है। उसमें दो हीरो हैं, उसमें से मैं एक हीरो प्ले कर रहा हूँ, और एक हिंदी फिल्म और कर रहा हूँ, उसका नाम है होने लगा हूँ मैं दीवाना। हाँ मैं एंटी हीरो प्ले कर रहा हूँ मैं। उनका नाम है आंचल जी है, वो मॉडल है और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, उनके साथ मैं एंटी हीरो प्ले कर रहा हूँ। एक लड़की है, दो हीरो है, ट्रायंगल लव स्टोरी है, वो पता चलेगा किसको मिलती है हीरोइन नहीं मिलती है। मैं बिलीव करता हूँ स्लो एंड स्टडी विन द रेस, काफ़ी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। जैसे खरगोश और कछुए की चाल होती है, तो मैं कहानी सुना हूँ बचपन से, तो मैं खरगोश नहीं बनना चाहता हूँ, कछुए की चाल से मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, और विश्वास करता हूँ कि मैं अपने मकसद तक, अपनी मंजिल तक एक दिन मैं ज़रूर पहुँचूँगा। विजय तिलक हुई, ममता का कर्ज हुई है, और हमारा लव स्टोरी काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो रही है, गंगा की लाज, ये सब फिल्में मेरी रिलीज़ पर है, और काफ़ी बड़ी पिक्चर और भी मैं फिल्में कर रहा हूँ, एड फिल्म कर रहा हूँ, और ये सब चल रहा है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे अच्छा है और जो इम्पा को लेके चलेगा और सब लोगों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, सबके लिए सोचेगा, वही उसी को जीतना चाहिए, और मेरी शुभकामनाएं दोनों केसी बोकाड़िया जी को और टीपी अग्रवाल जी को, दोनों को है। और मैं ये चाहता हूं कि जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं, जो उनको वोट देगा, तो उसी को वोट दें जो आगे भविष्य में कुछ सबके लिए कुछ सोचेगा, और इम्पा हाउस को और प्रोड्यूसर एसोसिएशन को आगे लेके चलेगा। इलेक्शन के लिए मैं केसी बोकाड़िया साहब को और उनके ग्रुप को शुभकामनाएं देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आज के अर्जुन की एंट्री बाकी है। श्री केसी केसी बोकाडिया साहब, सर प्लीज कम ऑन स्टेज। केसी बोकाडिया साहब प्लीज, आज के नाउ एंजॉय द पार्टी प्लीज। थैंक यू। देखिए ये हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या मराठी फिल्म इंडस्ट्री, ये जो जो इम्पा में के जो मेंबर्स हैं उन सब की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बदलाव जो होता है वो हमेशा बेहतरी के लिए ही होता है और हम कोशिश ये करेंगे। मैं खुद इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, इस ग्रुप में शामिल हूँ किसी बोकाडिया साहब के, और हम इसकी बेहतरी की तरफ हम जो है कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका साथ जो है हमें ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें यकीन है कि ये साथ सबका, जो आज यहाँ पे मौजूद थे वो भी, और जो दिल से चाहते हैं वोट करना वो भी, और जो बदलाव चाहते हैं वो हमारा साथ देंगे और हमें वोट दे के हमें जिताएंगे। देखिए बदलाव ये जो चीज़ होती है, बेहतरी जो होती है वो सिर्फ बोली नहीं जाती, और मेरे ख्याल से बोलना ही नहीं चाहिए, कर दिखाना चाहिए। बोलने वाले लोग अलग होते हैं और करने वाले लोग अलग होते हैं, तो हम कर दिखाने वालों में से हैं, हम बोलने वालों में से नहीं हैं। जी थैंक यू। बहुत गर्मा गर्मी है, कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी मैं काफ़ी देर में काफ़ी समय दिया और सुन के ऐसा लगा कि सबको मौका देना चाहिए, और अभी तक जो लोग वर्क कर रहे हैं एक मौका केसी साहब को भी देना चाहिए, उनके ग्रुप को देना चाहिए, ताकि कुछ चेंजेस आएँ।